हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालनीस क्रिएशन। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं केशव का करवा चौथ स्पेशल श्रृंगार। तो ये मैंने इनकी पिंक कलर की ड्रेस बनाई है। तो ये मैंने परसों की ड्रेस बनाई थी और 2 घंटे में ड्रेस बना के तैयार कर दी थी। तो ये मैंने साड़ी से ड्रेस बनाई है, एक नई साड़ी रखी हुई थी उसी की मैंने इनकी जो है वो ड्रेस बनाई है। तो ये थोड़े से शिफॉन कपड़े की साड़ी है, तो डबल लेयर में मैंने ड्रेस बनाई है। कोई इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया है, डायरेक्ट ऐसे ही बना दी है क्योंकि कोई फैब्रिक था नहीं मेरे पास। तो ये नई साड़ी एक निकल आई तो उसी की मैंने जो है वो बना दी है। और चोली वोली एकदम परफेक्ट आई है। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ इनका लहंगा। तो कुछ इस तरीके का मैंने लहंगा बनाया है। इसमें मैंने ये बस लेस लगाई है और साड़ी में नीचे क्या था कि बॉर्डर लगा हुआ है, तो फिर मुझे नीचे कुछ लगाना नहीं पड़ा, उससे काफ़ी हेल्प हो गई। तो आज हम बनाएंगे केशव को राधा रानी। तो चुनरी जो है वो मैंने साड़ी में से ही निकाल ली है, उसी की चुनरी बना दी है मैंने। और आज मैं केशव को जो है वो जो ज्वेलरी बनाने वाली हूँ वो पूरा ब्राइडल सेट होने वाला है। तो उसका एक चोकर हार जो है वो मैं पहनाऊँगी। तो ब्राइडल में जैसे 2 आते हैं, एक लॉन्ग होता है एक चोकर हार होता है, तो मैं इनको चोकर हार पहनाऊँगी, लॉन्ग वाला, क्योंकि चोकर हार से ही इतना हैवी है कि ये पूरे ढक जाएंगे। तो ये है हमारा चोकर हार। इनको मैंने जो है वो अब दूसरा मैं कहाँ ही पहनाती, मैंने कमरबंद में भी कोशिश करी कि देखती हूँ कैसा लगता है, पर वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही हार पहनाया। और अब देख सकते हैं पूरी चोली जो है वो इनकी ढक चुकी है, लेकिन हार बहुत सुंदर है। और ये हार जो है एक्चुअली मेरी मासी का पार्लर है, तो उन्होंने अपने पार्लर के लिए कुछ ज्वेलरी परचेज़ की थी, न्यू ज्वेलरी, तो वही मैंने इनको पहनाई है। तो वो चाहती थी कि पहले जो है वो एक बारी कान्हा जी पहन ले, तो मैंने जो है वो इनको वो ज्वेलरी पहना दी है। तो इनकी ड्रेस पर भी एकदम मैच कर गए, ग्रीन कलर का इसमें ज्वेलरी है कुंदन वाली। और अभी क्या है कि मेरे को डालना था सीधा पल्ला, तो मैंने आज तक केशव के कभी भी सीधा पल्ला जो है वो डाला नहीं है। मैंने सोचा इस बार मैं इनको सीधे पल्ले का जो है वो पूरा ऐसे दुपट्टा रैप करूँगी, लेकिन क्या था कि मैंने ये पूरा सेट वेट पहले ही पहना दिया क्योंकि इतना आइडिया नहीं है मुझे। तो अभी मैं इस सेट को हटा देती हूँ, उसके बाद मैं जो है वो पल्ला डालूँगी, देन मैं फिर से सेट पहनाऊँगी। तो ये मेरे साथ माता रानी के श्रृंगार में भी हुआ था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया कि पहले मैंने सब गले वाले में उनके पहना दिया, फिर मेरे को दिमाग में आया कि सीधा पल्ला लेती हूँ, तो ये मेरे साथ हमेशा हो जाता है। अभी ये मैं इस तरीके से इनका पल्ला डाल रही हूँ। ये मैंने दुपट्टा रेडी कर लिया था, मतलब ये पल्ले पल्ला जो होता है साड़ी का वो वाला पार्ट था, तो वो मैंने कट कर लिया है और उसी से पूरा इनका दुपट्टा तैयार हो गया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और केशव पर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एक दिन पहले जब मैंने बनाया था तो मैंने इनको पहना के देखा था, तो इतना सुंदर लग रहा था जबकि मैंने श्रृंगार कुछ नहीं किया था, और यहाँ मेरे पिन चुभ गई है हाथ में। तो इनके चोकर हार पहना दिया है और ये आई है इसके साथ माथा पट्टी वाला जो कहते हैं पूरा मांग टीका। तो ये एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा हैवी मांग टीका है, तो मैंने लगा दिया, पर बाद में क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा जमा नहीं, ये नहीं अच्छा लगा, केशव का मुँह पूरा हाइड हो रहा था इससे, तो मैंने ये हटा के और सिंगल वाला लगा दिया है, पर आप लोग वो आगे देखेंगे। और अभी मैंने पूरा सेट वेट कर दिया, सब कर दिया था, पर बाद में मेरे को नहीं अच्छा लगा तो मैंने वो चेंज करके और गोल वाला मांग टीका जो है वो लगा दिया था, वो इससे बेटर लग रहा था। ये इतना हैवी था, मैं कितना भी पीछे करके लगा रही थी तो ये आगे आ ही जा रहा था, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन बस इनके चेहरे पर बहुत बड़ा लग रहा था। दूसरी मिस्टेक जो मैंने ये की, पहले मेरे को इन्हें ईयरिंग्स पहनाने चाहिए थे, उसके बाद मुझे ये मांग टीका लगाना चाहिए था, पर मैंने अभी क्या है कि ये पहले मांग टीका लगा दिया फिर ईयरिंग्स पहनाए, क्योंकि मैंने ब्राइडल ज्वेलरी इससे पहले कभी पहनाई नहीं है तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया ही नहीं हो रहा था। पर बाद में मेरे को समझ में आया कि कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, और अब मैं नीचे से निकाल के और मतलब फिर उसको जो है वो बालों में फंसा दूँगी। तो बहुत सुंदर ज्वेलरी है और केशव ने आज तक इस तरीके की हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी है। और करवा चौथ पे तो वैसे ही स्पेशल श्रृंगार होने ही चाहिए जब हम लोग स्पेशल करते हैं, है ना, तो इनका भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल श्रृंगार होने वाला है। और हमारी राधा रानी कैसी लगेंगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को श्रृंगार कैसा लगा। मुझे तो अभी से इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी। तो ये देखिए इयररिंग्स कितने भारी भारी हैं इसके, तो दुपट्टे में तो अब क्या ही है, नहीं फंसा सकते, तो मैंने बालों में फंसा दिया है।
और इन दिनों वीडियो थोड़ा सा कम आ पा रही है, अभी 4-5 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ मैं, इस वजह से जो है वो वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। एक्चुअली मेरे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, तो वीडियो अभी थोड़ा थोड़ा सा लेट आएगा। जैसे ही सब सॉर्ट हो जाएगा फिर हम कंटिन्यू जो है वो अच्छे से अपना वीडियो वगैरह पोस्ट करेंगे, जैसे हमेशा ही करती हूँ मैं। तो आप लोग भी कैसे कर रहे हैं दिवाली की तैयारियाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे घर पे तो पूरा अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, तो घर पूरा फैला हुआ है गंदी तरीके से, तो अभी तो सब ऐसा ही हो रहा है। केशव का जो है वो रेड लहंगे वाला जो मैंने आप लोगों के साथ बताया था, वो मैं इसके बाद आई थिंक पोस्ट करने वाली हूँ, कि कैसे मैंने इनकी दिवाली की ड्रेस जो है वो बनाई है, वो मैं पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब हम उड़ा देते हैं अपनी राधा रानी को दुपट्टा। तो देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं आप राधा रानी जी ले लीजिए, पर मुझे तो जो है वो अपने केशव जो हैं वो एकदम राधा रानी का, जब मैं इनको श्रृंगार कर देती हूँ तो ये बिल्कुल ही राधा रानी का रूप ले लेते हैं, कोई कह ही नहीं सकता। अगर हाथ में लड्डू ना पकड़े हूँ तो कोई बोल ही नहीं सकता कि राधा रानी नहीं लग रहे हैं, तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और फिर एक चीज़ और होती है कि आपको उतने ही भगवान घर में रखने चाहिए जितने की आप दिल से सेवा कर सकें। अभी मैं मतलब मुंबई रहती हूँ, मेरा होम टाउन बरेली है, तो हमें आना जाना पड़ता है, तो उस वजह से जो है हम जितने भगवान लेंगे सबको लाना ले जाना बहुत दिक्कत होगी, इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। और मैंने इनके लगाई ये बड़ी वाली नथ जो नहीं रुक रही थी, फिर मैंने इनको बाद में वो महाराष्ट्र में जो नथ पहनते हैं वो पहना दी थी, ये मैं इनके स्पेशली ख़रीद कर लाई थी, बहुत सुंदर गोल्डन नथ, फिर मैंने वो वाली पहनाई, फिर वो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मैंने बाद में जब मांग टीका चेंज किया तो मैंने इसी सेट के साथ की जो है वो इनको नथ पहना दी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो आज का श्रृंगार कंप्लीट होता है, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा हमारी राधा रानी का श्रृंगार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।